दिस इज़ द करियर चेंजिंग अपॉर्चुनिटी गूगल हायरिंग फॉर स्टेप इन टर्न आई एम कॉलिंग इट करियर चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बिकॉज वंस यू क्लियर दिस अपॉर्चुनिटी देन यू विल बी कंसिडर्ड फॉर द नेक्स्ट इंटर्नशिप एंड देन द फुल टाइम अपॉर्चुनिटी सो इस अपॉर्चुनिटी को जब भी आप अप्लाई करते हो पूरा प्रोसेस जानने के बाद क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम टाइम पे मिलती है क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट ईयर होगा उसमें भी आपको इंटर्नशिप मिलेगी फ्रॉम द गूगल एंड देन फुल टाइम अपॉर्चुनिटी फुल टाइम जॉब इज ऑल्सो रिकमेंडेड बाई दिस अपॉर्चुनिटी तो सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में पहले मैं बता दूँ कि द वे यू कैन क्रैक दिस एंड द मटेरियल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू क्रैक लेट्स गो फॉर द यू नो स्कोप एंड द सोर्स आई हैव अपलोडेड फ्यू वीडियोज ऑफ गूगल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम फरवरी 2023 तो इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी दे रखे हैं और इंटरव्यू जो भी जितने भी राउंड्स होते हैं उसके अपडेट्स और क्वेश्चन ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दे रखा है और ये सारी अपडेट्स हैं अभी उनकी ऑफर लेटर फाइनल ऑफर लेटर नहीं आया बट यह लोकेशन प्रेफरेंस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह चल रहे हैं इससे रिलेटेड चीज़ें आप देख सकते हो और आई एम अश्योरिंग यू कि ये स्टेप इंटर्न जो है उसके भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और तो इस प्ले लिस्ट पर आप जाना प्ले लिस्ट पर जाने के बाद गूगल हायरिंग का प्ले लिस्ट मिलेगा वहाँ से आपको कुछ मटेरियल्स मिल जाएंगे तो वो भी हेल्प मिल करेगी आपको एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द यू नो स्टेप इंटर्नशिप की जितनी भी राउंड्स होने वाले हैं जितने भी होने वाले हैं असेसमेंट क्वेश्चन सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी तो अपॉर्चुनिटीज़ तो आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो सकता है आपको पहले से भी अपॉर्चुनिटी का ये एप्लीकेशन लिंक मिल जाए हो सकता है अप्लाई किया हो तो अगर नहीं किया तो अभी भी करना एंड इफ़ यू आर न्यू ईयर डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ईजी अप्लाई यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड गूगल से रिलेटेड या ऑफ कैंपस ट्राइब्स रिलेटेड चीज़ें मिलती रहेंगी रेगुलरली और अगर आप एलिजिबल नहीं हो बेसिकली दिस अपॉर्चुनिटी इज़ फॉर सेकंड ईयर स्टूडेंट हु आर इनरोल इन अ डिग्री ऑफ यू नो इंजीनियरिंग डिग्री तो वहाँ से जब आप एलिजिबल नहीं हो तो आप अपने जूनियर्स को भी रिकमेंड कर सकते हो क्योंकि एक चीज़ मैं बता दूँ कि कोई भी अगर आपको ये कहे कि आई गॉट दिस जॉब और अपॉर्चुनिटी फॉर यू फ्रॉम द रिकमेंडेशन ऑफ यू तो वहाँ पर बहुत अच्छी यू नो हैप्पीनेस मिलती है तो आई गेस कि ये आपको बात समझ में आएगी और अगर मैं चाहता हूं कि आप अपने जूनियर्स को रिकमेंड करें इससे क्या होता है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी तीनों साल उनके बन जाएंगे मतलब पूरा करियर बन जाएगा सो यहां पे आपको ध्यान देना है और बहुत ही ज़्यादा इजी इसके हायरिंग प्रोसेस हैं जो इंटर्नशिप के थ्रू जाते हो वो बहुत इजी होता है उसको क्रैक करना तो अभी मैं बता देता हूं कि इसके बारे में थोड़ी नोटिफिकेशन जो भी इसके लिए एलिजिबिलिटी है क्या चीज़ें करनी है फिर मैं बताता हूं और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लेट्स गो फॉर द मिनिमम क्वालिफिकेशन लाइक करंटली इन सेकंड ईयर ऑफ स्टडी इनरोल इन बैचलर प्रोग्राम मेजरिंग इंटेंडिंग टू मेजर इन कंप्यूटर साइंस यानी कि कंप्यूटर साइंस और रिलेवेंट जो भी ब्रांचेस हैं उस पर आप इनरोल्ड हो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए थोड़ा बहुत जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कि आपको ऊप्स ओरिएंटेड जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या ऊप्स कह लो आप उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत नॉलेज है आपने कुछ पढ़ा हुआ है आप अपने रिज्यूमे में मेंशन करो क्योंकि ये जो है अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ रिज्यूमे पे मैटर करती है रिज्यूमे के हिसाब से ही सिलेक्शन होगा और कुछ नहीं देखा जाता है सिर्फ और सिर्फ रिज्यूमे उसमें क्या क्या आपने मेंशन कर रखा हुआ है तो आप उसमें ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा C++ और पाइथन इनमें कोई ना कोई एक लैंग्वेज होनी चाहिए आपके पास फ्रंट एंड यानी कि HTML CSS या फिर आप कह लो इन सब चीज़ों के नॉलेज हो थोड़ा बहुत तो ज़्यादा चीज़ अच्छी है जावास्क्रिप्ट का नॉलेज हो उसे मेंशन कर दो एंड मिनिमम जो है टू प्रोजेक्ट्स मोर देन टू प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा बड़ी प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है लेकिन अगर छोटी भी प्रोजेक्ट है तो आप उसमें मेंशन जरूर करना अचीवमेंट्स मेंशन करना अपने रिज्यूमे में अगर आपने अभी भी रिज्यूमे नहीं बनाया तो बहुत अच्छे से रिज्यूमे बनाइए उसमें अपने अचीवमेंट्स गोल्स जितनी भी ये सारी चीज़ें अच्छे से मेंशन करिए क्योंकि अभी आप सेकंड ईयर में हो तो बहुत ज़्यादा आपके पास मुझे नहीं लगता कि मेंशन करने के लिए बहुत चीज़ होगी बट अगर आप हैकर रैंक हैकर अर्थ इन सब में रैंक होल्डर हो या फिर काम करते हो तो वो चीज़ भी मेंशन करना क्योंकि ये AI यू नो के थ्रू मॉनिटर करा जाता है फिर उसके बाद पर्सन टू पर्सन किया जाता है तो उसमें अगर हैकर रैंक हैकर अर्थ या हैकाथॉन वगैरह की कीवर्ड्स मिली तो दैट विड बी अ ग्रेट फॉर योर कैंडिडेचर तो इन बातों का आपको ध्यान देना है कि इन सब चीज़ों को मेंशन करना है और आगे आने वाली इससे जरूरी नहीं कि आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टेड हो गया आप तो अगर असेसमेंट भी क्लियर कर लिया तब उसके बाद भी रिजेक्शन होता है तो आई विल यू नो गाइड यू फॉर एवरी सिंगल स्टेप सो दैट यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी क्योंकि करियर की बात है तो अगर आपको कोई भी क्वेरी कंसर्न है इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन पिंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम द कॉन्टैक्ट लिंक इन टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स वहाँ से आपको एप्लीकेशन लिंक भी मिल जाएगी एंड देर इज़ यू नो टेलीग्राम ग्रुप चैनल वहाँ आप ज्वाइन कर लो प्रीवियसली जितने भी गूगल की हायरिंग हुई है या फिर जितनी भी ऑफ कैंपस हायरिंग है वहाँ उससे रिलेटेड मैंने चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं और अपडेट्स में मिलते रहेंगे तो आई मस्ट से कि आप ज्वाइन करो एंड इसमें अप्लाई करो सो अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना एंड हिट द लाइक बटन अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है और कुछ नहीं तो अपने जूनियर को रेकमेंड जरूर करना क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसके पूरे पूरे गाइडेंस आपको मेरे थ्रू मिलते रहेंगे आगे बढ़ते हैं लेट्स सी व्हाट यू हैव टू डू विद दिस अपॉर्चुनिटी क्या करना पड़ेगा आपको मतलब इस इंटर्नशिप में ये जो है इंटर्नशिप फुल जो है कुछ 10 से 12 वीक्स का होगा और आपको लोकेशन पे रिलोकेट होना होगा इस गिवन टाइम में जितना भी आपका इंटर्नशिप चलेगा और इसकी जो लोकेशन है बैंगलोर कर्नाटका इंडिया हैदराबाद तेलंगाना ये सारी इसकी लोकेशन है एंड वन मोर थिंग उसमें आपको एक चीज़ और
करना पड़ेगा जब आप एप्लीकेशन दे रहे हो या फिर जब आप कैंडिडेट नेक्स्ट प्रोसीड करोगे, तो आपकी डॉक्यूमेंट्स और रिकमेंडेशन फ्रॉम द कॉलेज वो आपकी जरूरी होगी। आप अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से एक आपके अपने जो भी सेमेस्टर्स हैं के वो हैं मार्कशीट है, उसमें आप स्टाम्प करवा सकते हो या डॉक्यूमेंटेशन लेटर्स वो आप तैयार रखना, वो बहुत अच्छा काम करता है फॉर द सिलेक्शन, वो चीज़ पे आपको ध्यान देना है। एंड इस पे जो है मैं जो है समर इंटर्नशिप जो ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या क्या इंक्लूड करता है, लाइक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दैट विल वर्क विथ अ टीम एंड गूगलर्स एंड अदर स्टेप इंटर्न, यानी कि गूगलर्स और स्टेप इंटर्न्स के साथ आप किसी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पे डेवलपमेंट का काम, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग आपकी स्किल्स के हिसाब से ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, मेंटरशिप फन एंड एक्सपोजर, यानी कि फन एक्टिविटीज़ भी वगैरह होती हैं। बहुत अच्छा ऑफिस लोकेशन होता है, अगर आप सोचो दो दिन के लिए अगर गूगल के ऑफिस में चले गए तो आप पूरी जान लगा दोगे गूगल को क्रैक करने के लिए। वहाँ का इन्वायरमेंट इतना अच्छा होता है ना कि आप खुद को रोक ही नहीं पाओगे। एंड एक्सपोजर में बात करें, गेन यूनिक गिम्बल्स इनटू अप्लाइंग योर कंप्यूटर साइंस स्टडीज इन प्रोफेशनल इन्वायरमेंट, अवर समर इंटर्नशिप स्टार्ट इन मई June 2023 एंड 10 to 12 वीक्स इंटीग्रेशन। तो ये मैं आपको बताऊंगा सैलरी की जो रेंज है, यहाँ आप देख सकते हो बेनिफिट सारी चीज़ें हैं, और मैं आपको कहूँगा कि ये जो पेज है इसको अच्छे से पूरा पढ़ लेना बिफोर यू गोइंग टू अप्लाई, एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन ऑल द थिंग्स इनटू द योर रिज्यूमे। और भी कोई कंफ्यूजन है तो बिफोर अप्लाई यू कैन पिंग मी आउट इन टू द यू नो टेलीग्राम इंस्टाग्राम, तो वहाँ से मैं हेल्प कर दूंगा आपकी। और फिर से मैं कहूँगा कि इसको गो थ्रू कर देना, सब्सक्राइब करना नहीं करना ये आपके ऊपर है, बट यू कैन चेक आउट एवरी टाइम कि यहाँ पे कोई अपडेट मिली है स्टेप इंटर्न्स को लेकर कि नहीं। जब भी असेसमेंट शुरू होगा, जो भी नेक्स्ट हायरिंग जो भी प्रोसेस होगी वो आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो मुझे लगता है कि आपने अप्लाई कर दिया होगा पहले भी, बहुत सारे चैनल्स हैं जो अपॉर्चुनिटी बताते हैं, तो हो सकता है आपके पास पहले से पता हो, बट ये आप चेक कर सकते हो। अगर नहीं किया तो अभी मैं कहूँगा कि रिकमेंड करो अपने जूनियर्स को जो अभी एलिजिबल हैं इसके लिए। तो सेकंड ईयर स्टूडेंट जो 2025 में पास आउट होने वाले, अप्लाई जरूर करना। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो ये जरूर हिट द लाइक बटन जरूर करना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सो गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर।